सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन से आप सबसे कुछ बातें करना चाहता हूं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आज हम परमेश्वर के ऊपर कई बार दोष लगाने लगते हैं कि प्रभु तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, तूने मुझे काला क्यों बनाया, तूने मुझे पतला क्यों बनाया, तूने मुझे मोटा क्यों बनाया। बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं, लेकिन मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने हमें जैसा भी बनाया है, प्रभु ने हमें जो कुछ भी दिया है, हमें हर एक के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रभु को जिस भी चीज़ के लिए, जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है, जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर हमें और भी आशीष देते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं और हम धन्यवादी नहीं बनते हैं, तो शायद वो आशीषें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हमें नहीं मिल पाती। इसराइलियों को जब मिस्र देश से मूसा ले जा रहा था, तो जब उन्हें भूख लगी तो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें खाने को दिया। जब उन्हें प्यास लगा तो भी कुड़कुड़ाने लगे, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें पीने को पानी दिया। वे बार बार प्रभु पर कुड़कुड़ाते रहे, परमेश्वर ने उन्हें उतना कुछ दिया फिर भी वे कुड़कुड़ाते रहे, जिसके कारण जो यात्रा उन्हें लगभग 40 दिन में करनी थी उसी यात्रा को उन्होंने लगभग 40 साल में की। तो कई बार हम प्रभु पर कुड़कुड़ाने के कारण अपने उन आशीषों को खो देते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। इस भाई के पास आप लोग देख सकते हैं, पैर ना होते हुए भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है। वो भी ये सोच सकता है, वो भी परमेश्वर से कह सकता है कि प्रभु तूने मुझे पैर क्यों नहीं दिया। लेकिन जब हमारे अंदर वो चाहत रहेगी, परमेश्वर के प्रति वो प्रेम रहेगा, तो हम किसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी हो, हम प्रभु को कभी दोष नहीं लगाएंगे, हम प्रभु पर कभी कुड़कुड़ाएंगे नहीं। आज आपकी परिस्थिति कैसे भी है हमें नहीं पता, यदि आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर, आप जिस भी परिस्थिति में हैं उससे परमेश्वर आपको उठा करके ऊंचे पर नियुक्त करेगा। इसलिए परमेश्वर को हर एक बातों के लिए धन्यवाद दीजिए जो परमेश्वर आपके लिए करता है। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।